हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग हमारा बैंकिंग सिस्टम ये कितना पार्सल है आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताने वाला हूँ बट आगे चलने से पहले बैंक हो गया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया क्रेडिट कार्ड कंपनी हो गई इस तरह की कंपनीज़ को हम बोलेंगे बैंकिंग कंपनी पर्सनल लोन हो गया होम लोन हो गया ओडीसी सी या फिर क्रेडिट कार्ड जैसी फैसिलिटीज को हम बोलेंगे क्रेडिट फैसिलिटी सिविल स्कोर को हम बोलेंगे क्रेडिट स्कोर एंड सिविल सी आर आई एफ एंड एक्सपीरियंस जैसी कंपनी को हम बोलेंगे क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज नाउ सबसे पहले हम जानते हैं ये सारा प्रोसेस कैसे चलता है अगर किसी इंडिविजुअल को बैंकिंग कंपनी से कोई क्रेडिट फैसिलिटी लेनी होती है तो सबसे पहले वो इंडिविजुअल उस बैंकिंग कंपनी के पास एक एप्लीकेशन लगाता है उसके बाद जो ये बैंकिंग कंपनी होती है वो उस इंडिविजुअल का बैकग्राउंड चेक करती है उसका इनकम लेवल चेक करती है उसकी पास रीपेमेंट हिस्ट्री चेक करती है इस स्टेप में बेसिकली जो ये बैंकिंग कंपनी होती है वो अपने आप को सेटिस्फाई करती है दैट हम जिस इंडिविजुअल को ये अपनी क्रेडिट फैसिलिटी देने वाली है बाद में क्या वो इंडिविजुअल अपनी रीपेमेंट ऑब्लिगेशन फुलफिल कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा एंड अगर वो इंडिविजुअल बैंकिंग कंपनी के सारे क्राइटेरियाज को फुलफिल करता है तो बैंकिंग कंपनी उस इंडिविजुअल को क्रेडिट फैसिलिटी दे देती है बेसिकली बैंकिंग कंपनी उस इंडिविजुअल को क्रेडिट कार्ड या फिर लोन दे देती है नाउ अब बारी आती है उस इंडिविजुअल की बेसिकली क्रेडिट फैसिलिटी लेने के बाद जो इंडिविजुअल है उसको अपनी मंथली क्वार्टरली या फिर जो भी पीयोडिकल पेमेंट ऑब्लिगेशन होती है उसको फुलफिल करना पड़ता है एंड जैसे जैसे वो इंडिविजुअल अपनी पेमेंट ऑब्लिगेशन को फुलफिल करता रहता है जो ये बैंकिंग कंपनी होती है ये सारी डिटेल क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज के पास पास ऑन करती रहती है ऑन अ पीयोडिकल बेसिस एंड इसी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर जो ये क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज होती है वो उस कस्टमर का एक ओवरऑल प्रोफाइल बनाती है एंड ये प्रोफाइल अपने आप में काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव प्रोफाइल होता है जैसे कि उस इंडिविजुअल ने किस किस बैंकिंग कंपनी से लोन लिया हुआ है उसने कब कब पेमेंट टाइम पर की है उसने कब कब पेमेंट डिफॉल्ट किया है उसने और कितनी कंपनीज़ के साथ लोन लेने का ट्राई किया है ये सारी इंफॉर्मेशन उस कंपनी के उस क्रेडिट प्रोफाइल में इंक्लूड होती है एंड कस्टमर के इस प्रोफाइल को हम बोलते हैं क्रेडिट स्कोर बेसिकली ये पॉपुलरली सिविल स्कोर के नाम से भी जाना जाता है जो ये क्रेडिट प्रोफाइल होता है ये कंपनीज के पास भी अवेलेबल होता है जहां पर दूसरी जो बैंकिंग कंपनीज हैं, वो उस इंडिविजुअल को लोन देने से पहले क्रेडिट फैसिलिटी देने से पहले उस प्रोफाइल को चेक कर सके नाउ, ये एक सर्कल है जो कंटिन्यूसली ठीक से चलता रहता है तब तक जब तक कोई एक पार्टी डिफॉल्ट नहीं करती जैसे ही इस सर्कल में कोई भी एक पार्टी डिफॉल्ट करना शुरू कर देती है यहाँ पर प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है ना अगर फ्यूचर में किसी इंडिविजुअल को बैंकिंग कंपनीज की क्रेडिट फैसिलिटी यूटिलाइज करनी है तो उस इंडिविजुअल को अपनी करंट की रिपेमेंट एप्लीकेशन को फुलफिल करना पड़ेगा उस इंडिविजुअल को अपना क्रेडिट स्कोर ठीक से मेंटेन करना पड़ेगा एंड अगर वो ऐसा नहीं कर पाता तो देर आर चांसेज दैट फ्यूचर में उस इंडिविजुअल को कोई भी बैंकिंग कंपनी क्रेडिट फैसिलिटी नहीं देगी नाउ अब बात करते हैं जो कंज्यूमर है वो अगर अपनी ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं कर पाता तो क्या होता है नाउ यहाँ पर अगर कोई इंडिविजुअल डिफॉल्ट करता है तो बैंक उससे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट वसूल करता है बैंक उससे काफ़ी सारे और भी चार्जेस वसूल करता है एंड अगर उस इंडिविजुअल की क्रेडिट फैसिलिटी सिक्योर्ड है तो बैंक के पास जो सिक्योरिटी है बैंक उस सिक्योरिटी को लिक्विडेट करके अपना अमाउंट वसूल कर लेता है एंड अगर उस इंडिविजुअल की क्रेडिट फैसिलिटी सिक्योर नहीं है सपोज वो पर्सनल लोन है अनसिक्योर्ड लोन है तो बैंक उस इंडिविजुअल का जीना हराम कर देता है बैंक उस इंडिविजुअल को दिन में पचास बार फोन करता है बैंक उस इंडिविजुअल के पास अपने रिकवरी एजेंट्स सो सोकॉल गुंडे वो टाइम टू टाइम उसके घर भेजता रहता है वो टाइम कभी भी हो सकता है वो मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग नाइट वो कुछ भी हो सकता है बैंक अपने रिकवरी एजेंट्स को इंडिविजुअल के घर पर भेजता है उसके ऑफिस में भेजता है उसके रिश्तेदारों को भी फोन करवाता है ये देखो इस पर्टिकुलर पर्सन ने हमसे लोन लिया था एंड अब ये इंडिविजुअल हमारा लोन पे नहीं कर रहा बेसिकली बैंक यहाँ पर उस इंडिविजुअल को पूरी तरह से डिफेम करता है एंड साथ ही साथ जो ये बैंकिंग कंपनी है ये उस इंडिविजुअल की डिफॉल्ट को ये क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज को बता देती है इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज होती हैं वो इस डिफॉल्ट को अपनी क्रेडिट स्कोर के अंदर इनकॉर्पोरेट कर लेती हैं एंड इसकी वजह से वो इंडिविजुअल बाद में कभी भी किसी बैंकिंग कंपनी से क्रेडिट फैसिलिटी अवेल नहीं कर पाता नॉर्मली नहीं कर पाता तो बेसिकली हुआ क्या अगर कस्टमर डिफॉल्ट करता है तो बैंकिंग कंपनी के पास काफी सारे ऑप्शन होते हैं अपने अमाउंट को रिकवर करने के एंड अगर बैंक अपने अमाउंट को रिकवर नहीं कर पाता तो वो उस कस्टमर को इस लाइक नहीं छोड़ता दैट वो कस्टमर किसी और बैंकिंग कंपनीज के पास जाकर क्रेडिट फैसिलिटी ले सके ऑन दी अदर हैंड अगर बैंकिंग कंपनी डिफॉल्ट करती है तब क्या होता है सबसे पहले बैंकिंग कंपनी कभी भी ये एक्सेप्ट नहीं करती दैट उसकी गलती है दूसरा ये कस्टमर ही है जो बार बार बैंकिंग कंपनीज को फोन करता है उनको रिमाइंड करवाता है दैट ये देखो आपने ये डिफॉल्ट किया है आपने मुझसे ये ज्यादा अमाउंट रिकवर किया है आप मेरे उस अमाउंट को वापस करो एंड उसके लिए वो कस्टमर बैंकिंग कंपनी के कस्टमर केयर में फ़ोन करता रहता है बैंकिंग कंपनी के ब्रांचेस में विजिट करता रहता है एंड वो भी बैंकिंग कंपनी के टाइम के हिसाब से एंड कई बार ये प्रोसेस इतना टीडियस हो जाता है दैट उस इंडिविजुअल को उस कस्टमर को अपना कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना पड़ता है दैट क्या मैं इस बैंकिंग कंपनी के पीछे पड़कर अपना अमाउंट रिकवर करूं या फिर मैं अपनी लाइवलीहुड के लिए एफर्ट्स डालूं मैं अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए एफ़र्ट्स डालूँ एंड इस तरह के केस में मोस्ट ऑफ द टाइम जो इंडिविजुअल्स होते हैं जो कस्टमर्स होते हैं वो बैंकिंग कंपनी से पैसे को रिकवर करने गिव अप कर देते हैं एंड इसी तरह के छोटे छोटे चार्जेस जो बैंकिंग कंपनीज कस्टमर से अनवांटेडली रिकवर करती हैं ये बैंकिंग कंपनी के लिए काफी बड़ा इनकम सोर्स होता है एंड साथ ही साथ जो ये बैंक है ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ये बेसिकली कॉरपोरेट्स होते हैं एंड कॉर्पोरेट्स का कोई फेस नहीं होता उनके ऑफिसेस होते हैं एंड इस केस में क्या होता है इस केस में जो कस्टमर होता है वो एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पर घूमता रहता है एक स्टाफ से दूसरे स्टाफ को कॉन्टेक्ट करता रहता है दैट मेरी हेल्प करो मेरे इस अमाउंट को रिकवर करने में इसको हम बोलते हैं दैट जो ये बैंकिंग कंपनीज हैं ये अपनी फॉर्म का एक किस्म से एडवांटेज लेती हैं ना अब हम इन दोनों के डिफॉल्ट को एक साथ कंपेयर करके देखते हैं अगर कस्टमर डिफॉल्ट करता है तो बैंकिंग कंपनी उसका जीना हराम कर सकती है बैंकिंग कंपनी उसकी सिक्योरिटी को लिक्विडेट करके अपना अमाउंट रिकवर कर लेती है बैंकिंग कंपनी उसको फोन करके बार बार परेशान करेंगी ऑन दी अदर हैंड अगर बैंकिंग कंपनी ने डिफॉल्ट किया है तब क्या होगा तब कस्टमर बैंक को फ़ोन करता रहेगा कस्टमर बैंकिंग कंपनी के हिसाब से फोन करेगा कस्टमर एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच घूमता रहता है सेकेंडली जो ये बैंकिंग कंपनीज होती हैं इनकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एज कम्पेयर टू इंडिविजुअल वो काफ़ी अच्छी होती है उनके पास एक किस्म से अनलिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं उनके पास हर एक इशू के लिए एक सेपरेट टीम होती है ऑन दी अदर हैंड जो इंडिविजुअल होता है उसको चॉइस करनी पड़ती है क्या मैं बैंकिंग कंपनी के साथ फाइट करूं या फिर मैं अपनी रोजी रोटी के लिए काम करूं इन शॉर्ट ऑलमोस्ट हर एक केस में वो सिर्फ कस्टमर ही होता है जो सफर करता है इनफैक्ट कई बार क्या होता है जो ये बैंकिंग कंपनीज होती हैं ये जानबूझ के कस्टमर से ज्यादा चार्ज कर लेती हैं एंड कस्टमर को वो चार्ज रिवर्स करने में काफी टाइम लगा देती है एंड कई केसेस में तो कस्टमर बैंकिंग कंपनीज के साथ फॉलो अप करना ही बंद कर देता है उस चार्जेज के रिवर्सल के लिए एंड अगर कस्टमर उन चार्जेस की पेमेंट नहीं करता तो ये बैंकिंग कंपनीज उसको डिफॉल्ट ट्रीट करती है एंड इस डिफॉल्ट को वो बैंकिंग कंपनीज क्रेडिट कंपनीज के पास पासवर्ड कर देती हैं एंड जो ये क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज होती हैं उस डिफॉल्ट की वजह से उस इंडिविजुअल का क्रेडिट स्कोर डाउनग्रेड कर देती हैं जिसकी वजह से वो इंडिविजुअल किसी दूसरी बैंकिंग कंपनी से क्रेडिट फैसिलिटी ना ले पाए बेसिकली ये क्रेडिट स्कोर सिविल स्कोर ये बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के हाथ में एक ऐसा टूल है जिसकी वजह से वो बैंकिंग कंपनी अपने कस्टमर को लिटरली ब्लैकमेल कर सकती है अब इस केस में कस्टमर के पास क्या ऑप्शंस होते हैं कस्टमर के पास काफ़ी लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं एंड वो ऑप्शन हम एक एक करके अपने आने वाले वीडियोज में एक्सप्लोर करेंगे अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू